बड़े हर्ष का विषय है। आज इस शिवपुरम में डॉक्टर बाबा अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है छात्र छात्राओं के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक वाक्य है, वो वाक्य छात्रों के लिए मैं आप बुलाना चाहता हूं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि यदि किसी भी व्यक्ति का अर्थ बल और बाहुबल जब कमजोर हो जाए, अर्थ बल का मतलब है यदि वो व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है, निर्धन अवस्था में अपना जीवन को जी रहे, और ऐसे व्यक्ति जिसके पास खड़े होने के लिए भी तो व्यक्ति साथ में नहीं है, तो ऐसे समय में जो व्यक्ति शिक्षा बल से ही आगे बढ़ सकता है, शिक्षा बल से प्राप्त शिक्षा बल को बढ़ा करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए जीवन में, लेकिन शिक्षा एक ऐसा दरवाजा आगे के बढ़ने के लिए खोल दिए जिससे कि सभी विकास के दरवाजे खुलते हैं। बाबा साहब का यह भी कथन है कि शिक्षा में शेरनी का दूध है, जो उसे जितना पिएगा वो उतना धारता है। जो शिक्षित होगा वही विकसित होगा। 1 जुलाई 2006 के लिए जब मैं डीएल इंटर कॉलेज में मुझे भुवनगर से ट्रांसफर होकर आया तो मैंने देखा कि वहां पर डीएल इंटर कॉलेज में सभी लोगों के चित्र लगे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध का कोई भी चित्र नहीं था। 1 जुलाई 2006 की बात बता रहा हूं, 15 अगस्त 2006 से लेकर के और आज तक ऐसा कोई कक्षा कक्ष डीएन इंटर कॉलेज में नहीं है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध का चित्र न हो। और वहां के बच्चे जय भीम ही बोलते हैं, जो बाबा साहब का मिशनरी है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और शिक्षा को भी प्राप्त करने का काम करते हैं, वो बच्चे गर्व के साथ जय भीम ही बोलते हैं। एक दिन की घटना है, एक बच्चा इंटरवल के समय में मेरे पास आया, मेरे साथ में 3 टीचर और अध्यापक थे जो ब्राह्मण समाज से आते थे। बहुत भीड़ से उस बच्चे ने बोला जय भीम सर। मैंने कहा, मैंने उस बच्चे के लिए बुलाया, मैंने कहा कि भाई क्या कह रहे हैं, क्या बोले तुम कि सर मैं तो जय भीम बोला। अरे जय भीम बोला तो गर्व के साथ बोलो, फिर दरबार में बोलो ताकि ये तीनों लोग भी सुन सके। क्या तुम मुझे क्यों सुनाना चाहते हो कि मेरे साथ तीन लोग हो रही है? ऐसा नहीं है, जय भीम तो गर्व की बात है। तो प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए ये भी कहना चाहूंगा कि जय भीम ही पे किसी में इतना रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन क्या है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें क्या संदेश दिया है, उस संदेश को भी जानना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें बुद्ध धर्म से परिचित कराया, इस बुद्ध धर्म जो कि इस भारत धरती से पनपा और पूरे संसार भर में फैला और यहाँ पर ही अनेक कुछ कारणों से जातिवादी कारणों से ये जो है दबा दिया गया था, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब धर्म दीक्षा ली थी तो राहुल सांकृत्याय ने तो आनंद ने कहा था कि भारत की भूमि में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा तंबू को गाड़ दिया है, तंबू 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 जो हिलाने से हिलने नहीं भारत की धरती में बहुत बढ़िया आधार स्तंभ खड़ा कर दिया। वही भाई साहब के उस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है और बौद्ध धर्म जिससे बाबा जिसे बाबा साहब ने हमें परिचित कराया उस धर्म के मार्ग पर भी हमें चलना है, विश्व शांति का संदेश भी हमें फैलाना है और बाबा साहब के मिशन को भी आगे बढ़ाना है। बहुत सारी बातें और एक चीज और भी है, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है हमें उन 22 प्रतिज्ञाओं का भी ध्यान में रखना चाहिए। जो छात्र पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जहां पर उनकी किताबें रहती है, पुस्तकें बैग रखे रहते हैं, वहां पर स्कूल जाने से पहले बाबा साहब का एक चित्र जो लगा जरूर लगाए और उस बाबा साहब के चित्र को
अपने विद्यालय में पढ़ने से जाने से पहले उसे ध्यान से देखें, ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि बाबा साहब से बड़ा है और हित चिंतक इस देश के लिए ना हुआ है और ना जल्दी से होगा। आपने मेरी बात के लिए ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।